भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अजान बाबा थान बहियार में आज शाम फसल चरौनी के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के एक किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक युवक की पहचान उदाडी निवासी रंजीत सिंह के 17 वर्षीय पुत्र श्रवण के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान रघुचक अन्हार निवासी पप्पू शाह के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पप्पू शाह के खेत में लगे फसल में रंजीत सिंह का जानवर घुस गया और वह फसल बर्बाद करने लगा, जिसके बाद पप्पू शाह का छोटा भाई आवेश में आकर पंकज शाह ने श्रवण को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पंकज के भाई पप्पू शाह को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने उसे सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। वहाँ से फोन किया कि यहाँ मार हो गया, गोली चल गया। अच्छा, कहाँ पर? बिहार में। अच्छा। हम तुरंत यहाँ से चाय बना रहा था, चाय भी नहीं पिए, दौड़ते हुए गए तो वहाँ देखते इसको टांगते हुए आ रहा था। कौन सा मारा, कुछ पता बता सकते? हाँ, अघानी साहू का बेटा पंकज नाम है सर। अच्छा, ये बताइए, उससे पहले भी विवाद चल रहा था? कुछ नहीं, कहीं कहीं कुछ नहीं था। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर पुरैनी के निकट एक बेलगाम गैस टैंकर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार एक महिला टैंकर के चक्का के नीचे आने से बुरी तरह जख्मी हो गई, वहीं बाइक चालक का भी हाथ टूट गया। बताया जाता है कि जख्मी महिला कहलगांव से अपने भाई को राखी बांधने चैनचक पुरैनी जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं जगदीशपुर पुलिस की मदद से जख्मी महिला को जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। जगदीशपुर पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही टैंकर को भी जब्त कर थाने में लगाया है। जख्मी महिला की पहचान कहलगांव के 50 वर्षीय रूबी देवी के रूप में हुई है। अभी तुरंत आई थी, मेरा घर दरादी मतलब ये अपना मायके और अपना मौसी के बेटा के यहाँ जा रही थी राखी बुनने के लिए। आजादी के 75 वर्ष पर 75 मीटर लंबा तिरंगा को 75 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जयप्रकाश मैदान के लाजपत पार्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 13 अगस्त को 9 बजे सुबह फहराया जाएगा। यह जानकारी इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भागलपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अजीत शाश्वत चौबे ने दी। बताते चले कि भागलपुर फिर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, जल्द यह विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाने जा रहा है, क्योंकि इस ध्वजारोहण में यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसमें 75 वर्षों को लेकर 75 मीटर लंबा तिरंगा को 75 स्वतंत्रता सैनी फहराएंगे। हम लोगों ने एक नए प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनसे प्रेरणा लेकर के और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें 75 मीटर का हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुआ है, खादी से तैयार हुआ है, खादी के कपड़े से, और इसे 6-7 हमारे कलाकारों ने इसको कलकत्ता में तैयार किया और वो भागलपुर पहुंच गया है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में अपर समाहर्ता शिव कुमार शैव ने प्रखंड सभी बूथ लेबल ऑफिसर के साथ बैठक की और आधार कार्ड सीडिंग करने संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ से बैठक में कहा कि मतदाता सूची में सभी मतदाता का आधार कार्ड दर्ज करना जरूरी है और इसे मतदाता सूची कार्य में पुनर्निरीक्षण हेतु वरीयता देकर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत आज की बैठक आयोजित की गई। आधार कार्ड नंबर जोड़ने के साथ साथ बीएलओ को मतदाता सूची से संबंधित अन्य निर्देश भी दिए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद एवं अंचल अधिकारी अशोक कुमार मंडल के साथ साथ बीएलओ के रूप में विभिन्न शिक्षक मौजूद रहे। आज हम लोगों ने बीएलओ की बैठक, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं हम लोगों के बूथ लेवल, जिनका वोटर लिस्ट के अपडेशन में काम चल रहा है, उन्हीं की एक समीक्षा हम लोगों ने इस नाथ नगर विधानसभा के जो इस ब्लॉक के संबंधित है उनकी समीक्षा रखी थी। हम लोगों ने समीक्षा की है कि प्रपत्र 6-7-8 में जो नाम जोड़ने हटाने या संशोधित करने और जो आधार की सीडिंग वगैरह का कार्य है, उन सभी कार्यों की समीक्षा की गई और उन्हें डायरेक्शन दिया गया कि इसको त्वरित गति से पूर्ण किया जाए।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विलक्षण रविदास पर लखीसराय पुलिस के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर हुए आंदोलन और ट्रेन में आगजनी मामले में छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। दरअसल लखीसराय पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसने अपने बयान में बताया था कि उसकी मदद डॉक्टर विलक्षण रविदास कर रहे थे। वहीं उसके मोबाइल से कई चैट भी मिले थे, जिसमें विलक्षण रविदास के द्वारा उससे बात की गई थी, जिसको लेकर लखीसराय पुलिस ने डॉक्टर विलक्षण रविदास पर मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर आज बहुजन स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के द्वारा अंबेडकर विभाग से मार्च निकाला गया, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर जाकर समाप्त हुआ। छात्रों ने मांग की है कि प्रोफेसर विलक्षण रविदास को झूठे मामले में फंसाया गया है और सरकार उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। छात्रों की मांग है कि प्रोफेसर पर दर्ज किए गए मामले को अविलंब वापस किया जाए। आज आम छात्रों के द्वारा प्रोफेसर विलक्षण रविदास को जो फंसाने की साजिश की गई है, उसके खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन व मार्च किया गया है। प्रोफेसर विलक्षण रविदास पे फर्जी मुकदमे भाजपा सरकार द्वारा किया गई है। ये दलितों पिछड़ों के बुद्धिजीवियों पे हमला है। प्रोफेसर विलक्षण रविदास ऐसे व्यक्तित्व के आदमी है जो दलितों पिछड़ों समाज के हाशिए पे रहने वाले के लिए हमेशा बोलते हैं, लड़ते हैं, मजदूर किसानों के पक्ष में हमेशा लिखते बोलते हैं। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। इसको लेकर आज शहर के लाजपत पार्क मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे कर रहे थे। यात्रा के दौरान सभी के हाथ में तिरंगा था। वहीं एक 75वीं अमृत महोत्सव को लेकर 75 फीट का तिरंगा भी यात्रा के दौरान लोगों ने पकड़कर जुलूस में निकाला। यात्रा लाजपत पार्क से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण कर फिर लाजपत पार्क में आकर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। यह तिरंगा जो है 75 मीटर, जो 75वां अमृत वर्ष है, उसमें 75 मीटर तिरंगे के साथ जो अपना राष्ट्रध्वज है उसके साथ यह अपना तिरंगा यात्रा निकल रहा है। और इस अमृत महोत्सव के वर्ष में अपना देश पुनः जो बिहार की जो गौरवशाली परंपरा रही, भारत जो कभी विश्वगुरु रहा है, वह पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस स्थान को प्राप्त करे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी लोग अपना इस बार का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी सवारी गाड़ी नंबर 05249 अप के गार्ड बोगी से आगे 5वां बोगी नंबर EC 41319 के पीछे शौचालय गेट के सामने प्लास्टिक बोरी में रखे एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की शव को GRP पुलिस ने बुधवार की रात करीब 9:45 बजे बरामद किया है। शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या 2 दिन पहले 4-5 लोगों ने मिलकर करने के बाद किसी दूसरे स्टेशन पर गाड़ी में रख दिया होगा। सब शव से काफी दुर्गंध आ रही थी। GRP पुलिस ने बताया कि शव से दुर्गंध आने के बाद कुछ पैसेंजर द्वारा बताया गया कि बोरी से दुर्गंध आ रही है, तब जाकर देखा तो उजले रंग के प्लास्टिक के बोरे में था। एक तरफ से घुसाए गए शव की प्लास्टिक बोरे पर अनमोल सुपर क्वालिटी मैदा नेपालमा माँ दुर्गा मैसर्ज प्रोविजन लिमिटेड एवं दूसरी तरफ शव को घुसाए गए गोरे पर काले रंग से DAP लिखा हुआ है। गुरुवार की देर रात तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसे नवगछिया GRP पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गठबंधन तोड़े जाने और 10 अगस्त को महागठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बनाने पर BJP के भीपुर विधानसभा से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने नवगछिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है, जहां विधायक ने जदयू के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान नहीं देती है और अचानक इस विषय को लेकर उन्होंने BJP से गठबंधन तोड़ दिया और राजद से महागठबंधन कर दिया है। तेजस्वी यादव 2013 व 2017 में जंगल राज के खिलाफ में भाजपा से गठबंधन करके अजय बहुमत बनाया था, उस अजय बहुमत के खिलाफ फिर से राजद के साथ गठबंधन किया है। भाजपा कार्यकर्ता की पार्टी है। बिहार BJP की इस प्रेस वार्ता में शैलेंद्र ने आरोप लगाया है कि जदयू नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जबकि हमारे खुद के पास बहुमत था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद नेता बेल पर है। भाजपा जदयू की हर शिकायत दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान 2 बार पटना आए और नीतीश कुमार से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार गिरने से एक दिन पहले भी हमारी पार्टी के एक बड़े नेता ने दिल्ली से फोन कर पूछा कि नीतीश जी सब ठीक है ना।
तो उन्होंने कहा सब ठीक है। बाद में उन नेता ने पूछा कि ललन सिंह का बयान टीवी पर देखा, नीतीश ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्टी में गिरिराज है, उसी तरह ललन सिंह भी हमारी पार्टी में है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान भीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने आरसीपी सिंह को लेकर जदयू के आरोप का भी दिया जवाब। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के और अति पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, पुलकित सिंह, राजेश यादव, जिला महामंत्री आलोक सिंह, जिला मंत्री मुकेश राणा, अजीत पटेल, मंडल अध्यक्ष कौशल जायसवाल, बबलू चौधरी, विजय यादव, पंकज शर्मा, रंजीत झा, पूर्व सांसद अनिल यादव, संगठन विस्तार राजेश झा व रिची रिचर्सन, प्रभाकर सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। यही लोग कह रहे थे कि जिला नहीं बना लगछिया, तो ये मुद्दा है। दूसरा कटाव आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ कभी कोसी जो है बलवती होती है, कभी गंगा जो है उफनती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो कटाव का है। हम लोग कटाव को ही चाहेंगे कि बुलो मंडल जी आप 24 में चुनाव लड़ेंगे, अब तो लड़ाई नहीं में है। इधर गोपाल मंडल जी, बुलो मंडल जी, अजय मंडल जी, लड़ाई तो इन्हीं में है। कौन नेता बनेंगे पहले ये तय कर ले, और कौन ये सारा काम कराएंगे। इतना 164 का बहुमत छोटा बहुमत नहीं है, थीन बहुमत नहीं है, बड़ा बहुमत है। तो अब तो बुलो मंडल जी आए और वो कहे, हम तो कहेंगे कि वो पीसी के माध्यम से हमारे हर प्रश्न का जवाब दें। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के जो है कई मंत्री पद चले गए हैं, जिसमें शाहनवाज हुसैन जो है उद्योग के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे थे, क्या अब लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में काम हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जो नेता शाहनवाज हुसैन जी थे, जिसको पूर्व में भी गौतम सिंह इसके मंत्री रहा करते थे, जय सिंह मंत्री रहा करते थे, उद्योग विभाग को कोई जानता नहीं था, लेकिन हमारे आदरणीय यशस्वी शाहनवाज हुसैन जी ऐसे उद्योग मंत्री बने जो देश के पैमाने पर सारे उद्योगपति को लाकर यहाँ खड़ा किया, और आज उन्हीं के बदौलत आज जो है उद्योग चलने लगा, फलने लगा, फूलने लगा। लेकिन अब ये भी चुनौती है आरजेडी के सांसद को, आरजेडी के डिप्टी सीएम को, कि आप जो पुराने जंगल राज था उससे जो भयभीत हुआ था लोग, कहीं फिर वही हाल ना हो जाए और सारे लोग जो है उद्योगपति फिर बाहर चले जाए और सारा जो शाहनवाज जी का किया वो धरा है, वो सब धरा का धरा है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में आज अपराधियों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति से उसके बेटे का ठिकाना पूछा गया, जहां नहीं बताए जाने पर उसके साथ मारपीट कर अपराधियों ने हथियार की बट से वृद्ध का सर फोड़ दिए जाने की बात सामने आई है। जख्मी हालत में इलाज कर उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया पहुंचे जगतपुर निवासी सरबिला यादव ने बताया कि छर्रा पट्टी निवासी ब्रह्मदेव यादव के पुत्र राकेश यादव व मेरे बेटे रूपेश यादव से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। राकेश यादव आज मेरे बसा पर अचानक आए और हमसे बेटे का पता पूछने लगा और हाजिर करने को कहा। हम इतना ही बोले, वह कहाँ रहता है हम नहीं जानते हैं, किसके संगति में रहता है मुझे मालूम नहीं है। तो इसी बात पर राकेश यादव ने देसी कट्टे की बट से मारकर मेरा सर फोड़ दिया। उसके साथ 5-6 अज्ञात लोग भी थे। क्या हुआ आपको? मारपीट करा था। कौन मारा? मारा राकेश यादव। पहचानते हैं उसको? हाँ जानते हैं। आवेदन दिया थाना में? हाँ आवेदन दे। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी है सर, आप किसान। बिहार के 3 जिले की सीमा पर अवस्थित भागलपुर जिला के ढोलबज्जा बाजार में आए दिन घंटों भीषण जाम लगा रहता है। गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर शाम को खरीदारी करने वालों को जाम के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ढोलबज्जा बाजार के शहीद भगत सिंह चौक से लेकर नेताजी सुभाष चौक और भगवानपुरा बस स्टैंड पंचायत भवन तक कई घंटे जाम लगा रहा। जाम की सूचना पर पहुंची ढोलबज्जा पुलिस काफी मशक्कत कर जाम को हटवाने का प्रयास कर रहे थे। मालूम हो कि ढोलबज्जा बाजार की सड़कों पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण जाम लगा रहता है, जिसको लेकर ढोलबज्जा के सरपंच सुशांत कुमार ने नवगछिया सीओ, एसडीओ और भागलपुर के डीएम को भी अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक पदाधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वहीं सरपंच ने इसके अस्थायी समाधान के लिए पुनः पदाधिकारियों से मिलने की बात कहा है। वहीं मामले को लेकर नवगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि जल्द ढोलबज्जा की सड़कों से अतिक्रमण हटाने की काम किया जाएगा।